एक्टिविटी, ये हमारा एक्टिविटी जो है ये टाइप्स ऑफ ग्राफ को एक्सप्लेन करेगा बच्चों के लिए। बच्चे एक्चुअली हमारे जो कर लेते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन में कि बार ग्राफ भी कर लेते हैं, लाइन ग्राफ भी कर लेते हैं, बट उनको आइडेंटिफाई करना इन चीज़ों को कि किस तरह से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक हम छोटे लेवल पे बच्चों को पहले पिक्टोग्राफ पे बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा विद सिंपल पिक्चर्स एंड विद अट्रैक्टिव फिगर्स, कि बच्चा उसको एक्सप्लेन करके उसको देख के आइडेंटिफाई कर लेता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो बच्चे के लिए बार ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं हम कि बार ग्राफ में हम डाटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के ऊपर बनाते हैं उसको ग्राफ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम जैसे बच्चे न्यूज़ में भी करते हैं कि कोई भी वोटिंग वगैरह हो रही है, किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन डाटा की आ रही है, तो वो उसको बच्चे को पाई चार्ट को खुद से बनाना आना, मतलब कि कितनी परसेंटेज है, कि सर्कल में हमारे पास क्या एंगल बनता है और किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, तो उसको जो है उसको पाई चार्ट के उसमें कर लेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में हम डाटा को और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, जिससे हम डाटा को रीड करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि डाटा हमारे पास जो मतलब रीडिंग आ रही है, जो जैसे यहाँ पे जुलाई मंथ में हमारा रेनफॉल जो है वो सबसे ज़्यादा शो हो रहा है, तो वो बच्चा मतलब बिना डाटा को देखे, बिना उसको पढ़े, वो इसको ग्राफ को देख के ही सारा कुछ आइडेंटिफाई कर सकता है कि कहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है और कौन से 2 मंथ्स में हमारा सेम रेनफॉल आ रहा है। हमारी एक्टिविटी थोड़ी हेल्प और करती है बच्चों को एक्सप्लेन करने में कि बार ग्राफ में हम अगर हम बार ग्राफ को बताना चाहें, बार ग्राफ को आइडेंटिफाई करना चाहें, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम लाइन ग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पाई चार्ट को हम बनाने के लिए सेंटर का एंगल निकालते हैं और एंगल निकालने के बाद उसको हम उस पर डाटा पे बनाते हैं, सर्कल के ऊपर बनाते हैं, और ये पिक्टोग्राफ में हम अट्रैक्टिव से पिक्चर्स लेके उस डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं।